हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा न्यू ईयर के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो ये जो वाला एडिटिंग है बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो गाइस, आज की वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट एंड तक ही देखना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सीख जाओगे। एंड गाइस, वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो भी गाइस, चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं पिक्सार्ट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को तो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है बता देता हूँ, ठीक है? आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जाके मेरे मॉडल का फोटो को ऐड करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं एक साथ दोनों मॉडल को ही ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आप मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो गर्ल मॉडल है इसको साइड में रखता हूँ। सबसे पहले हमारा जो मॉडल का फोटो है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे बैकग्राउंड के अंदर मैं एकदम अच्छे तरीके से टाइम दे के सेट करूँगा। देन उसके बाद जो गर्ल पीएनजी है इसको भी मैं लेके आऊँगा। तो गर्ल पीएनजी को लेकर आने के बाद गर्ल पीएनजी को कुछ इस तरीके से बड़ा करके फुली बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करूँगा। जैसे कि भाई आप लोग देख ही सकते हो, 3 डॉट पे क्लिक करके मूव डाउन करूँगा। एंड गाइस, मूव डाउन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बड़ा करके आपको नीचे से आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि भाई आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है? तो एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे सेट हो जाने का सिंपली यहाँ पे ऐड फोटोज पे क्लिक करके एक और पिंजी को मतलब ऐड करता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार ये वाला पिंजू ऐड कर लिया। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, बड़ा करके मैं नीचे से लगाऊंगा जो ये वाला शेडो का पिंजी। तो इसको मैं एकदम अच्छे तरीके से फोरग्राउंड पे लगा दूंगा। तो इतना सेट हो जाने का सिंपली डन करके बैक चलना है। एंड गाइस, इतना हो जाने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, उसको गाइस आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन है इसके अंदर जाके और जो पिंजी है उसको मैं ऐड करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार न्यू ईयर का जो टेक्स्ट पीएनजी है इसको मैं ऐड कर लिया हूँ। तो गाइस, ऐड करने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको आपको छोटा करके आपको कुछ इस तरीके से लगा देना है। जैसे कि भाई लोग आपको यहाँ पे देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके से मैं लगा दूंगा। तो गाइस, इतना कुछ हो जाने का सिंपली यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐड फोटो पे जाके एक और पीएनजी को मतलब ऐड करता हूँ, ठीक है? सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार हैप्पी न्यू ईयर का जो टेक्स्ट पीएनजी इसको भी ऐड कर लिया हूँ। तो इसका ब्लेंडिंग मोड सबसे पहले क्या करूँगा, इसका ब्लेंडिंग मोड ब्लेंड के अंदर क्लिक करके स्क्रीन कर लूँगा। तो स्क्रीन करने का सिंपली कुछ इस तरीके से बढ़ा करके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। जैसे कि भाई लोग आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से नीचे से मैं लगा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से टाइम दे के। तो कुछ इस तरीके से सेट करूँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सिंपली सेट करने को डन करके बैक चलना है। तो गाइस, इतना हो जाने के बाद सिंपली क्या करना है, गाइस आपको बता देता हूँ लास्ट में एक और बार, गाइस आपको ऐड फोटो पर जाके एक और पीएनजी को मतलब ऐड करना है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं इस बार ये वाला पिंजू को ऐड कर लिया हूँ। तो सिंपली इसको मैं कुछ इस तरीके से बड़ा करके फुल्ली बैकग्राउंड के अंदर सेट करूंगा। देन इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे स्क्रीन कर लूंगा। तो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन करने का सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको ब्रश के अंदर, ब्रश सेटिंग को उसे ओपन करके हार्डनेस को बढ़ा देना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्का सा करके आपको यहाँ पे इरेज करना स्टार्ट करना है। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो एकदम हल्का सा करके मैं इरेज करूँगा, ठीक है? तो इरेज हो जाने का डन करके सिंपली आपको बैक चलना है, डन करके बैक चलना है, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे डन करने का इतना सारा कुछ हो जाने के बाद देख सकते हो पिक्सार्ट के अंदर जो भी हमारा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। जाना आता है लाइटरूम के अंदर फोटो का कलर ग्रेडिंग करना। तो गाइस, मैं सिंपली क्या करूंगा, इस फोटो को यहाँ पे डॉट टूल के अंदर जाके फोटो को सेव करके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका हूँ। तो गाइस, मैं पहले से ही फोटो ऐड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे जो ऑल फोटोज़ का ऑप्शन है इसके अंदर टैप करके सबसे पहले फोटो को ऐसे मैं ओपन करूँगा लाइटरूम के अंदर, ठीक है? तो गाइस, यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे लाइट ब्लर टूल्स के अंदर। एंड गाइस, मैं लाइट टूल्स के अंदर जाऊँगा। एंड जाने के बाद सबसे पहले फोटो का जो एक्सपोजर इसको बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का सा करके कुछ इस तरीके से बढ़ा लूँगा। एंड आपको हाईलाइट को थोड़ा सा करके माइनस रखना है लगभग इतना, शेडो को बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। एंड आपको क्या करना है, उसका तो व्हाइट को सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से कम करके आपको ब्लैक को बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, जैसे कि गाइस आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लैक को बढ़ा दूंगा। देन उसका जाना है आपको सिंपली करके यहाँ पे कलर वाला टूल, यहाँ पे सिंपली यहाँ मिक्स टूल। तो गाइस, यहाँ पे मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड कलर के जो ह्यू है, ह्यू को मैं हल्का सा कुछ इस तरीके से हल्का सा करके कम करूंगा लगभग यहाँ पे इतना, यहाँ पे सैचुएशन बढ़ा के आपको इतना रखना है। देन ऑरेंज कलर के अंदर को सिंपली प्रेस करना है। एंड ऑरेंज के जो सैचुएशन है इसको थोड़ा सा आपको इस तरीके से कम करके आपको यहाँ पे लुमिनेशन को बढ़ा देना है लगभग, आपको फेस को इतना सा मतलब व्हाइट करने लेना है, ठीक है? तो इतना काम हो जाने के बाद आपको जाना है येलो कलर के अंदर। तो येलो के जो ह्यू है, ह्यू को हल्का सा कम करके आपको सैचुएशन को भी बढ़ा देना है। देन आपको जाना है ग्रीन कलर के अंदर, तो ग्रीन के ह्यू को हल्का सा कुछ तरीके से मैं कम करके सैचुएशन को भी बढ़ा लूंगा लगभग इतना। एंड आपको जाना है सीएन कलर के अंदर, ठीक है? तो सीएन कलर की ह्यू को फुल्ली माइनस एंड सैचुएशन को फुल्ली हाई कर देना है कुछ इस तरीके से। देन आपको जाना है यहाँ पे ब्लू वाला कलर के अंदर, मतलब यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर कि ब्लू की ह्यू को कम करके आपको सैचुएशन को बढ़ा देना है लगभग इतना। तो गाइस, अभी इतना हो जाने का सिंपली क्या करना है, इस कलर के अंदर आके इसका भी ह्यू को बढ़ा के आपको सिंपली डन करके बैक चलना है। देन उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है इसको माइनस रखना है लगभग 16 को बढ़ा के लगभग 8 रख लेना है। एंड वाइब्रेशन को बढ़ा के आपको 25 के आसपास रख लेना है। एंड सैचुएशन को 4 बढ़ा देना है। देन उसको जाना है आपको ट्रायंगल वाला टूल के अंदर।
एंड गाइस ट्रायंगल टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले फोटो का टेक्सचर को बढ़ा देना है। लगभग आपको टेक्सचर को इतना रखना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड क्लियरिटी को बढ़ा के आपको लगभग 14 रखना है, डीएस को 2F4 बढ़ा के विग्निटी अमाउंट को थोड़ा सा माइनस रखना है, लगभग आपको इतना रखना है। एंड शार्पनेस टूल के अंदर आके सबसे पहले फोटो का शार्पनेस को बढ़ा लेना है, लगभग आपको इतना रखना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो एकदम बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यूयॉर्क के ऊपर फोटो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही था। तो वीडियो आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और टॉपिक के साथ गाइस, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, अपना ख्याल रखना।